श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड अध्याय 19। रावण को देखकर द्वेख भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन। उस समय अनिदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षसराज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर थर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपनी जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए तथा वहां बैठी बैठी वे रोने लगी। राक्षसियों के पहरे में रहती हुई विदेहराज कुमारी सीता अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। वे समुद्र में जीर्ण शीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निमग्न थी। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछौने के खुली जमीन पर बैठी थी और कटकर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। उनके अंगों में अंगराग की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण तथा श्रृंगार करने योग्य होने पर भी उन सबसे वंचित थी और कीचड़ में सनी हुई कमलनाल की भांति शोभा पाती थी तथा नहीं भी पाती थी। कमलनाल जैसे सुकुमारता के कारण शोभा पाती है और कीचड़ में सनी रहने के कारण शोभा नहीं पाती, वैसे ही वे अपने सहज सौंदर्य से सुशोभित थी किंतु मलिनता के कारण शोभा नहीं देती थी। संकल्पों के घोड़ों से जुते हुए मनोमय रथ पर चढ़कर आत्मज्ञानी राज सिंह भगवान श्रीराम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थी। उनका शरीर सूखता जा रहा था। वे अकेली बैठकर रोती तथा श्री रामचंद्र जी के ध्यान एवं उनके वियोग के शोक में डूबी रहती थी। उन्हें अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था। वे श्री रामचंद्र जी में अनुराग रखने वाली तथा उनकी रमणीय भार्या थी। जैसे नागराज की वधु नागिन मणि मंत्राई से अभिभूत हो छटपटाने लगती है, उसी तरह सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थी तथा धूम के समान वर्ण वाले केतुग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थी। यद्यपि सदाचारी और सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर धार्मिक तथा उत्तम आचार विचार वाले कुल में वे ब्याही गई थी, विवाह संस्कार से संपन्न हुई थी, तथापि दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान मलिन दिखाई देती थी। वे क्षीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा ह्रास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित हुई राजाज्ञा, उत्पात काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्रग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी की रात, तुषारपात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलिनी जिसका शूरवीर सेनापति मारा गया हो, ऐसी सेना, अंधकार से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई सरिता, अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी और बुझी हुई अग्निशिखा के समान प्रतीत होती थी। 11-14 जिसे हाथी ने अपनी सूनर से हुंडेर डाला हो, अतएव जिसके पत्ते और कमल उखड़ गए हों तथा जलपक्षी भय से थर्रा उठे हों, उस मथित एवं मलिन हुई पुष्करिणी के समान सीता श्रीहीन दिखाई देती थी। पति के विरह शोक से उनका हृदय बड़ा व्याकुल था। जिसका जल नहरों के द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो, ऐसी नदी के समान वे सूख गई थी तथा उत्तम उपटन आदि के न लगने से कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मलिन हो रही थी। उनके अंग बड़े सुकुमार और सुंदर थे। वे रत्नजटित राजमहल में रहने के योग्य थी, परंतु गर्मी से तपी और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलनी के समान दयनीय दशा को पहुंच गई थी। जिसे युद्धपति से अलग करके पकड़कर खंभे में बांध दिया गया हो, उस हथिनी के समान वे अत्यंत दुख से आतुर होकर लंबी सांस खींच रही थी। बिना प्रयत्न के ही बंधी हुई एक ही लंबी वेणी से सीता की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई हरी भरी वनश्रेणी से पृथ्वी सुशोभित होती है। वे उपवास शोक चिंता और भय से अत्यंत क्षीण कृशकाय और दीन हो गई थी। उनका आहार बहुत कम हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। वे दुख से आतुर हो अपने कुलदेवता से हाथ जोड़कर मन ही मन ये प्रार्थना सी कर रही थी कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से दशमुख रावण की पराजय हो।
सुंदर बरौनियों से युक्त लाल श्वेत एवं विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थी और इधर उधर देखती हुई रो रही थी। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस राज रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा।